हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूली के पराठे, जिसके लिए ली है मैंने बिल्कुल एकदम फ्रेश मूली। एकदम हेल्दी रहता है मूली का पराठा, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश मूली लेते हैं तो आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मूली को हम पत्तों से अलग कर लेंगे। और ऊपर से मूली को हमें छील लेना है। ये घर पर लगाई हुई मूली है। एक एक कर ऐसे ही सभी मूली को हम छील लेंगे। सभी मूली को मैंने छील लिया है। अब हम इन मूली को करेंगे कद्दूकस। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, और फूड प्रोसेसर की सहायता से जल्दी से अपनी मूली को कद्दूकस कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारी मूली कद्दूकस हो गई है, और इस तरीके से टाइम भी कम लगता है और हमारी मूली एकदम बढ़िया से तैयार है। तो ये पहले जो मैंने आपको कद्दूकस कर दिखाई थी, और ये फूड प्रोसेसर से किए हैं, तो इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच नमक, और इसको हम मूली के ऊपर डालेंगे और अच्छे से सभी मूली को हम रचा देंगे, जिससे कि मूली का पानी अलग हो जाएगा। और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। तब तक हम आटा तैयार करेंगे। अब मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा, जिससे कि हम नमक डालकर आटे को तैयार करेंगे, और 1 चम्मच नमक। 1 गिलास लिया है पानी। अब धीरे धीरे से हम पानी को डालेंगे। करीब मैंने आधा गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, और मिक्स करते हुए हमें अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। इतना ज्यादा मसलते हुए हम आटा बनाएंगे, हमारा उतना ही अच्छा आटा बनेगा, एकदम बढ़िया स्मूथ डो तैयार होगा। और ये बहुत ही इजी तरीका है। बस थोड़ी सी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से बनाना है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप एक एक चीज का ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे मसलते हुए डो हमारा तैयार है। अब लास्ट में लेंगे हम थोड़ा सा रिफाइन, करीब आधा चम्मच, और अपने डो को इस रिफाइन के अंदर कवर कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, एकदम हमारा डो रेडी हो गया है, और मूली भी हमारी रच चुकी है। अब यहाँ पर जो मूली हमने रचा कर रखी थी, इसका पानी अलग हो गया है, नमक से हमने इसको रचाया था। अब थोड़ा थोड़ा सा मूली को हम लेंगे अपने हाथ पर इस तरीके से, और दबाते हुए हमें जो मूली के अंदर पानी है उसको अलग कर लेंगे। जितना ज्यादा हम इसको दबा कर पानी निकाल सकते हैं, उतना हमें निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी मूली को हमें तैयार करना है। मूली हमारी तैयार है, तो इसको हम थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से फोड़ लेंगे। देखो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है एकदम ये ड्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मिलाएंगे हम कुछ मसाले, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला, आप गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर हम मिक्स करेंगे। नमक हमने नहीं डाला है, क्योंकि नमक हमने पहले रचाते हुए डाल लिया था। फिर हमारा मूली एकदम से पराठे बनाने के लिए तैयार है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लेंगे सूखा आटा,
आटा अच्छे से डूब गया है और हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ साथ उस पराठे को हम डालेंगे तवे के ऊपर। अब एक बार धीरे से हम पराठे को पलट लेंगे, थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हमारा एकदम बढ़िया गर्मा गर्म मूली का पराठा बिल्कुल तैयार है और इसको किनारे से भी हमें सेक लेना है। देखो फ्रेंड्स, हमारा एकदम यमी मूली पराठा तैयार है। तो आप ऐसे ही यमी यमी मूली का पराठा बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।